सत्य का अनुभव आपको सत्य बोलने का अधिकार देता है, जिसका मतलब है जब तक आपका खुद का अनुभव नहीं है उस सत्य की बात बोलने का हक आपको नहीं है। सत्य को बोलने का सच्चा अधिकार अथॉरिटी केवल और केवल आपका अपना अनुभव होता है। एक रामकृष्ण एक रमन महर्षि अधिकारिता पूर्वक बोल सकते हैं क्योंकि उनका ज्ञान सीधे उनके स्वानुभव से आता है। लेकिन अगर कोई धर्म के बारे में पढ़ लिख गया है, बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया है, जिसने गीता रट ली है या कुरान मुंह जबानी याद कर ली है, उसको इस अधिकार से बोलने का अधिकार नहीं है। अथॉरिटी बिलोंग्स टू बुद्धा एलोन, जिसका अर्थ हुआ सिर्फ वही व्यक्ति सत्य कहने का अधिकारी है जो सत्य के अनुभव से गुजरा है। यही विडंबना है कि कई बार वे लोग अधिकारिता के रूप में माने जाते हैं जो केवल शास्त्रों के शब्दों को सटीकता से उत्तरित कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के शब्दों को एक कंप्यूटर द्वारा अधिक कुशलता और सटीकता से उद्धृत किया जा सकता है, इसलिए इसके लिए चेतना की या जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जो लोग केवल एक रिकॉर्ड की तरह बिना समझे शब्दों को दोहराते हैं वे असली अधिकारिकता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे शायद अन्यों को और स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं। हमारे यहाँ हम फिलॉसफी को दर्शन बोलते हैं। हमारे लिए सत्य को अनुभव करना ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय कि कोई ज्ञान इकट्ठा कर ले, क्योंकि जब तुम सत्य को देखते हो तुम सत्य बन जाते हो, और जब तुम सत्य बन जाते हो तब सत्य तुम्हारे माध्यम से बोलता है। तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम एक बांसुरी हो, तुमसे प्रभु बोलता है, होंठ उसके हैं वही बजाता है, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। ज्ञान को जीना है, उसको अनुभव करना है, वो तुम्हारे जीवन का गीत बने, यही मेरी प्रार्थना है। प्रणाम।